चुनावी रण 2019 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दलों के दिग्गज प्रचार अभियान में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज हरियाणा में धुआंधार प्रचार किया, तो वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की। शुरुआत करते हैं चुनाव की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस एनसीपी विधानसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। आज धुले में एक जनसभा के दौरान फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव के वक्त देश से बाहर हैं और एनसीपी के कई बड़े नेता शरद पवार का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एहसास हो गया है कि 24 अक्टूबर को आने वाले नतीजों में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। एनसीपी ने सोलापुर की कर्मला विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार संजय मामा बिठल राव शिंदे को समर्थन देने की बात कही है। पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एनसीपी के नेताओं, सदस्यों और समर्थकों को संजय मामा बिठल राव शिंदे की जीत सुनिश्चित करने के लिए समर्थन देने को कहा गया है। हालांकि पार्टी ने इस सीट पर संजय कृष्णराव पाटिल को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनसे नाम वापस लेने के लिए कहा। संजय कृष्णराव पाटिल नामांकन वापस नहीं ले सके। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें शिंदे ने कांग्रेस और एनसीपी के विलय की मंशा जाहिर की थी। शरद पवार ने आज जलगांव में चुनाव प्रचार के बाद कहा कि शिंदे कांग्रेस के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन एनसीपी की कमान उनके हाथों में है और वो इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। कांग्रेस और एनसीपी के विलय को लेकर पहले भी कई बार ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं। बात हरियाणा के रण की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में कैथल से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कैथल के अलावा लोहारू और महम में भी चुनाव प्रचार किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र को झकझोर कर दीमक लगाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में बीते 5 साल में जनहित से जुड़े मुद्दों को ही तवज्जो दी गई। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की खट्टर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 के मसले पर भी कांग्रेस को घेरा। कई लोग आए, कई लोग चले गए, 3-3 पीढ़ियों तक शासन करा, मगर हिम्मत नहीं थी धारा 370 हटाने की। ये हरियाणा की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पहले ही संसद के सत्र के अंदर धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अधीन मंजूर है। देश की सुरक्षा का काम था, देश को एक और अखंड बनाने का काम। इसमें सभी दलों ने एक वाक्यता लाने की जरूरत थी, एक सूर लाने की जरूरत। मगर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाने के खिलाफ में वोट किया। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और अंबाला कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का कहना है कि आने वाले दिनों में देश भर से खिलाड़ी हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में ट्रेनिंग लेने पहुंचेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियों के चलते राज्य में लड़कियां हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच और भी कई मुद्दों पर अनिल विज से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता रवीन्द्र सिंह शोरान ने। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कई सरकारी अस्पताल की हालत उतनी अच्छी नहीं है, आप इस पर आने वाले सालों में कुछ और कार्रवाई करेंगे? देखिए, ऐसा मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद हमारी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 30% बढ़ी है, यानी कि सुधार हुआ है। नीति आयोग ने भी हमें हिंदुस्तान में पहले नंबर का प्रदेश माना है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए। हमने लगातार सुधार किया है स्वास्थ्य सेवाओं में। हमारी जो शिशु मृत्यु दर है, जब हम आए थे 41 थी, अब वो घटकर 30 हो गई है।
हमारी जो मातृ मृत्यु दर है जन्म के समय वो 127 थी, वो घटकर 101 हो गई है। हमने सिविल अस्पतालों में MRI लगाई है, CT स्कैन लगाई है, कैथ लैब लगाई है, डायलिसिस सेंटर लगाए हैं हमने, हमने हर तरह की आधुनिक सुविधाएं हम दे रहे हैं। 50 के लगभग अस्पतालों को मैंने NQS एक्रेडिशन करवा दी है। 100% को कराने का मेरा टारगेट है कि 100% हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हो जिसमें 100% सिविल अस्पताल NQS एक्रेडिटेड हो या NABH हो, किसी भी प्रदेश में नहीं है ऐसा, हम करवा के दे रहे हैं। उपलब्धि बड़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आप खेल और युवा मामलों के मंत्री भी हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा से देश का नाम रोशन किया है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी नीतियां भी सरकार की आई जिसका विरोध खिलाड़ियों ने किया, वो आपको वापस लेनी पड़ी। नहीं देखिए, ऐसा है, हमने जब नई खेल नीति बनाई थी हमने सारे खिलाड़ियों को बिठाया था और उनसे हमने राय लेके खेल नीति बनाई। हरियाणा की खेल नीति सारे देश में सराही जाती है जी। हम जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है उसको 6 करोड़ रुपया देते हैं और HPS या SCS की 8 साल की सीनियोरिटी की नौकरी देते हैं। ऐसी नीति सारे विश्व में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में। कुछ मुद्दों पर खिलाड़ियों का एतराज था, हमने वो मुद्दे दूर कर दिए, आज सारे खिलाड़ी खुश हैं और आप देखिए 3 खिलाड़ी तो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात महाराष्ट्र के चुनावी समर की। कांग्रेस और NCP के लिए मजबूत गढ़ रहा महाराष्ट्र का मराठवाड़ा अब इन दोनों ही दलों के लिए चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस के सामने अपने लगातार कम होते जनाधार की परेशानी है, तो NCP अपने दिग्गजों के साथ छोड़ जाने से परेशान है। वहीं BJP और शिवसेना ने यहां अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिसकी तस्वीर दिखाई दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। देखिए खास रिपोर्ट। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में गोदावरी की घाटी में बसा इलाका, लेकिन अब विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा में भी सूखे की खबरें सुर्खियां बनती हैं। किसानों की आत्महत्या के लिए बदनाम बीड भी मराठवाड़ा का ही हिस्सा है। मराठवाड़ा में महाराष्ट्र के कुल 8 जिले आते हैं। इनमें नांदेड़, हिंगोली, परभणी, जालना, औरंगाबाद, बीड, लातूर और उस्मानाबाद शामिल हैं। इन 8 जिलों में महाराष्ट्र की 288 में से 40 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राजनीतिक दलों की पकड़ की बात करें तो ये इलाका कांग्रेस और NCP के दबदबे वाला रहा है, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां BJP का प्रदर्शन दमदार रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में BJP ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2009 में BJP मराठवाड़ा में महज 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं शिवसेना को 2014 में इस इलाके में 11 सीटें मिली, जो 2009 के मुकाबले 4 ज्यादा थी। कांग्रेस NCP की बात करें तो मराठवाड़ा में कांग्रेस को पिछले चुनाव में सीटों के लिहाज से 50% का नुकसान हुआ। 2009 की 18 सीटों के मुकाबले कांग्रेस को 2014 में 9 सीटें ही मिली। NCP को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। मराठवाड़ा में NCP ने पिछले चुनाव में 8 सीटें जीती थी और 3 सीटें अन्य दलों के खाते में गई थी। विदर्भ के मुकाबले मराठवाड़ा में NCP का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में बेहतर रहा, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में NCP पार्टी के गिरते प्रदर्शन के साथ साथ बड़े नेताओं के पलायन से भी परेशान है। NCP के कई दिग्गज पार्टी प्रमुख शरद पवार का साथ छोड़कर BJP और शिवसेना के खेमे में शामिल हो गए हैं। NCP छोड़कर जाने वालों में विजय सिंह मोहिते पाटिल, पदम सिंह पाटिल और मधुकर जैसे शरद पवार के वो पुराने साथी भी शामिल हैं, जिन्होंने साथ मिलकर NCP का गठन किया था। उधर कांग्रेस के दिग्गजों के सामने मराठवाड़ा में अपनी विरासत बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। और फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरे सहयोगी घनश्याम के पास। शुक्रिया प्रीति।